नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D Max Tutorials पार्ट 33 का स्वागत है। तो दोस्तों, ये रोबोट का मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इस पे टेक्सचर अप्लाई करेंगे। जिस तरीके से हमने लैपटॉप टेक्सचर किया था, उसी तरीके से हम रोबोट टेक्सचर करने वाले हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस इमेजेस को डिलीट कर व्यूपोर्ट को एडजस्ट करते हैं। इस व्यूपोर्ट को फ्रंट में स्विच करते हैं और अब आगे मटेरियल एडिटर को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें इस थर्ड स्लॉट को सिलेक्ट करना है, मैप्स, और इस नन पे क्लिक कर बिटमैप सिलेक्ट करते हैं machine.psd। मैंने इसकी डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्सचर को हमने आधे में कट किया है। आप एक बात यहाँ पे समझ लो, अभी जो भी टेक्सचर हमने अप्लाई किया है वो सिर्फ रोबोट के राइट साइड में अप्लाई हो चुका है। तो इस नए टेक्सचर रोबोट को हमें वापस एक बार मिरर करना होगा। इससे राइट साइड में जो भी हम टेक्सचरिंग में चेंजेस करेंगे वो लेफ्ट साइड में अपने आप रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। तो मिरर करें एक्स एक्सिस में, क्लोन सिलेक्शन नो क्लोन, ओके। अब सिमेट्री को स्विच ऑन कर मॉडल की सेंट्रल अलाइनमेंट चेक करते हैं। अब आगे अपने रोबोट मॉडल पे मटेरियल असाइन करना है। मटेरियल एडिटर ओपन करें, यहाँ पे असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन पे क्लिक करें। आप देख सकते हो कि टेक्सचर प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो हमें UVW मॉडिफायर को अनरैप करके यहाँ पे अप्लाई करना होगा। पैरामीटर सेक्शन के मॉडिफायर में जाके एडिट पे क्लिक करें। इससे एडिट UVW विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो कि UV मैप प्रॉपरली असाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, अब आगे इस चेकर पैटर्न ड्रॉपडाउन मेनू से टेक्सचर मैप machine.psd को सिलेक्ट करें। अब UVW एडिटर में हमें टेक्सचर मैप दिखाई दे रहा है, इसका हम रेफरेंस गाइड की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो मैं टेक्सचर मैप पे जूम कर देता हूँ, पर यहाँ पे हमें रेफरेंस इमेज ब्लर और पिक्सेलेट दिखाई दे रही है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन मेनू में से प्रेफरेंसेस पे क्लिक करते हैं। ऐसे करते ही अनरैप ऑप्शन विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे चाहिए तो आप ग्रिड का कलर चेंज कर सकते हो। अब डिस्प्ले प्रेफरेंस में हम रेंडर विड्थ और हाइट चेंज करते हैं। विड्थ और हाइट 512 पे सेट करके हम टाइल ब्राइटनेस 1 पे सेट करते हैं। अब ये रेफरेंस पिक्चर ब्राइट और क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अनरैप UVW विंडो को क्लोज करते हैं। अब फ्रंट व्यू में हेड और फेस दोनों को सिलेक्ट करें। अब मैप पैरामीटर में से प्लानर पे क्लिक करते हैं और फिर एडिट UVW विंडो वापस ओपन करते हैं। अब हम सिलेक्टेड पॉलीगॉन्स को UV मैप एडिटर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो हम हेड को टेक्सचर इमेज से अलाइन करते हैं। हमें ठीक वैसे ही मैप करना है जैसे हमने लैपटॉप को मैप किया था। हमें यहाँ पे आधे हिस्से में ही टेक्सचर करना है क्योंकि बाद में हम सिमेट्रिकल कमांड यूज करेंगे। अब इस विंडो को क्लोज करते हैं और मॉडिफायर लिस्ट में से अनरैप UVW मॉडिफायर को सिमेट्री के नीचे ड्रैग कर प्लेस करते हैं। इससे सिमेट्री मॉडिफायर अनरैप UVW मॉडिफायर को कंट्रोल करेगा। इसके बाद फेस मोड में जाके रोबोट का चेहरा सिलेक्ट करें। अब प्लानर को सिलेक्ट कर वापस से एडिट UVW विंडो ओपन करें। अब यहाँ पे हमें चेहरे का आधा हिस्सा नजर आ रहा है। ठीक है, विंडो को क्लोज करते हैं। अनरैप UVW मॉडिफायर में फेस को सिलेक्ट कर इग्नोर बैक फेसिंग ऑप्शन को अनचेक करें। इससे हम ऑब्जेक्ट के बैक एंड फोर्थ दोनों पॉलीगॉन फेसेस एक साथ ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बॉडी को सिलेक्ट करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि हम रोबोट के सीने के पॉलीगॉन सिलेक्ट कर रहे हैं। अनवांटेड पॉलीगॉन जैसे कि वो सीने से रिलेटेड नहीं है तो उन्हें डीसिलेक्ट करें। सीने के पीछे वाले पॉलीगॉन, हम जिन्हें बैकपैक के पॉलीगॉन भी कह सकते हैं, उन्हें भी हमें डीसिलेक्ट करना है। अब सिलेक्टेड पॉलीगॉन्स को चारों एंगल से एक बार चेक करें। ठीक है, अब प्लानर में जाके एडिट UVW विंडोज को ओपन करें। यहाँ पे हमें वो फेसेस दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हमने सिलेक्ट किया है। यूवी मैप के बाकी के पार्ट्स सेफ्टी के लिए थोड़ा साइड में मूव कर देते हैं ताकि उनके साथ एक्सीडेंटली कोई छेड़खानी ना हो। हाफ बॉडी यूवी मैप को सिलेक्ट कर उसे टेक्सचर इमेज से मैच करने की कोशिश करते हैं। टेक्सचर इमेज से मैच करने के लिए मिरर हॉरिजॉन्टल ऑप्शन के मदद से इस यूवी मैप को फ्लिप करें। यूवी मैप में पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर व्यूपोर्ट में सिलेक्टेड पॉलीगॉन फेसेस का कोऑर्डिनेशन चेक करें। अब मूव और स्केल टूल का इस्तेमाल कर इस टेक्सचर मैप को टेक्सचर पे व्यवस्थित अलाइन करें। अब वर्टेक्स मोड का इस्तेमाल कर इन वर्टेसेस को इस टेक्सचर इमेज के प्रॉपर पार्ट के साथ एडजस्ट करें। ये एडजस्टमेंट जारी रखते हुए आपको व्यूपोर्ट में इस टेक्सचर का रियल टाइम आउटपुट भी चेक करते रहना है।
मॉडल पे टेक्सचर स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से हमें मैप एडिटर में एडजस्ट करते रहना है। और एक बात का यहाँ पे ध्यान रखें, ये जो सेंट्रल लाइन है ये हमारे सिमेट्रिकल लाइन से मैच होनी चाहिए। यहाँ पे वर्टिसेस को कॉलर पे एडजस्ट करिए। एक बार चेस्ट एरिया भी चेक करें। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव व्यू में चेक करते हैं। अब रिब एरिया में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं। ठीक है, तो एक बार वापस मॉडल को चेक करते हैं पर्सपेक्टिव में और आगे फिर हाथ की तरफ मुड़ते हैं। इस आर्म को फेस मोड का इस्तेमाल कर सिलेक्ट करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि हमें हाथ से रिलेटेड ही फेसेस सिलेक्ट करने हैं। एडिट UVW विंडोज। अच्छा, टेक्सचर मैप में इसके हाथ के फ्रंट और बैक ऐसे तो अलग अलग इमेजेस है, तो उस प्रकार से हमें सिलेक्शन भी फ्रंट साइड का अलग से और बैक साइड का अलग से करना होगा। तो बैक साइड के सारे सिलेक्शंस में निकाल रहा हूँ यहाँ पे। अब एडिट UVW विंडो में एक बार वापस से चेक करें। ठीक है, तो अब प्लानर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मिरर हॉरिजॉन्टल, और अब हाथ को टेक्सचर इमेज से मैच करने के लिए मूव करें। अब उसी तरीके से हमें मैच करना है जिस तरीके से हमने चेस्ट को मैच किया था। व्यूपोर्ट में मॉडल को चेक करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे हम मैप के वर्टिसेस टेक्सचर के साथ एडजस्ट करेंगे। हमेशा मॉडल को व्यूपोर्ट में चेक करने की आदत रखें। ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब हम स्टमक का टेक्सचर करते हैं। हमें वही तरीके का इस्तेमाल करना है। फेस मोड में जाके पॉलीगॉन को सिलेक्ट करें, वो सारे फ्रंट साइड के फेसेस सिलेक्ट करें। एक बार चाहे तो टेक्सचर इमेज चेक करते हैं कि कौन से फेसेस किस एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ फेसेस हमें डीसिलेक्ट करने हैं। बैक पोर्शन भी डीसिलेक्ट करें। इधर के कुछ फेसेस हमसे मिस हुए हैं, इन्हें सिलेक्ट करें। और यहां पे भी
एक बार चेक करें कि सारे रिलेवेंट फेसेस हमने सिलेक्ट किए हैं या नहीं। ठीक है, तो अभी एडिट UVW विंडो ओपन करते हैं। प्लानर पे क्लिक करें और मिरर हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करें। इस सिलेक्टेड मैप को प्रॉपर टेक्सचर लोकेशन पे मूव करते हैं। साइज से मैच करने के लिए इसे स्केल डाउन करें। और अब वर्टेक्स मोड में जाके इन वर्टिसेस को इस टेक्सचर से एडजस्ट करें। हमें साइमल्टेनियसली व्यूपोर्ट में भी मॉडल को चेक करना है। इन वर्टिस पे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव में एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम पैर पे काम करेंगे। संपूर्ण पैर को सिलेक्ट करें। एडिट UVW विंडो में से एक बार टेक्सचर इमेज को देख ले। ठीक है, हम फुट को बाद में सिलेक्ट करेंगे। हमें टेक्सचर इमेज को देख ये अंदाजा आता है कि फुट को फ्रंट या बैक से टेक्सचर करने से अच्छा साइड से टेक्सचर किया जाना चाहिए। हम इस जॉइंट को भी अलग से टेक्सचर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए विंडो बंद करते हैं और सबसे पहले फुट को डीसिलेक्ट करते हैं। ये जो ट्रायंगल फेस है ये यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा। एक बार वापस टेक्सचर इमेज चेक करते हैं। ये फुट टेक्सचर का पार्ट है, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो हिप जॉइंट है इसे भी हमें डीसिलेक्ट करना है। ध्यान रहे, जॉइंट को डीसिलेक्ट करते वक्त हमें साइड व्यू में उसके बीच वाले पॉलीगॉन को भी डीसिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट व्यू से डीसिलेक्ट करते वक्त ही साइड व्यू में से डीसिलेक्ट हो चुके हैं, तो इस प्रकार ही हमें आगे बढ़ना है। और इसके साथ ही हमें लेग के बैक पोर्शन को डीसिलेक्ट करना है। एक बार वापस से टेक्सचर इमेज को चेक करें। हमें जॉइंट के भी बैक पोर्शन की जरूरत नहीं है। अब प्लानर सिलेक्ट करके एडिट UVW विंडो को ओपन करते हैं। यहाँ पे इसे मिरर हॉरिजॉन्टल कमांड है और अब ये सिलेक्टेड मैप टेक्सचर पे फिट करने की कोशिश करते हैं। स्केल करके फिट करें। अब वर्टेक्स मोड में जाके इन वर्टिसेस को टेक्सचर के साथ एडजस्ट करें। अब व्यूपोर्ट में एक बार मॉडल को चेक करते हैं।
ठीक है, तो अब लेग के बाद हम जॉइंट्स पे काम करेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।